वेलकम स्टूडेंट, आज हम काउंटर फिफ्थ उसके एक्सरसाइज नंबर 5A कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके हम पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम आज करेंगे पहली वीडियो में, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसका फिल इन द ब्लैंक्स। ए ऑप्शन है 7 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। 7 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, कि 7 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये जो लफ्ज किलो है, के है, इससे मुराद किलो होता है। किलो मुराद 1000, किलो का मीनिंग है 1000। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तो हमारे पास क्वेश्चन में है कि 7 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। 7 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। तो 7 किलोमीटर मीन 7 × 1000, तो ये आ जाएगा 7000 मीटर। 7 किलोमीटर में 7000 मीटर आता है। तो हमारा नेक्स्ट है 23 मीटर प्लस 13 मीटर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। एक तो हमारा 23 मीटर्स और दूसरा है हमारा 13 मीटर 25 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमने इसका आंसर सेंटीमीटर में लेकर आना है। तो पहले है 23 मीटर प्लस 13 मीटर 25 सेंटीमीटर। 13 मीटर 25 सेंटीमीटर इसको हम लेकर आना है हमने सेंटीमीटर में। 23 मीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 23 मीटर मीन 2300 सेंटीमीटर। उसके बाद है 13 मीटर, 1300 मीटर आ जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद है 25 सेंटीमीटर। तो इन सभी को हमें ऐड करना है, 5, 2, 3 and 3, 6, 2 and 1, 3। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 3625 सेंटीमीटर। यानी कि 23 का आ जाएगा 2300 सेंटीमीटर, 23 मीटर का, 13 मीटर का आ जाएगा 1300 सेंटीमीटर और आगे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये तीनों आप सेंटीमीटर में चेंज हो गए हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 3625 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 40 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर 20 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर इसको हमने किसमें लेकर आना है, इसको लेकर आना है हमने मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर इक्वल होता है। तो 40 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में हम करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 400 मिलीमीटर। इन दोनों को और इसको, एक का आएगा 400 मिलीमीटर और दूसरा आएगा 200 प्लस 9 209 मिलीमीटर। तो माइनस करना है क्योंकि माइनस का साइन है, इसमें 209 मिलीमीटर को हम माइनस कर देंगे। तो यहां से हमने बारो लेना है, यहां तक आए 10 − 9 = 1, यहां पे 9 रह गया था, इधर 9 आ गया, तो यहां पे आ गया हमारे पास 3 रह गया, 3 में से 2 = 1। तो कितना आएगा 191 मिलीमीटर 191 मिलीमीटर। तो ये हमारा कितना था, सी पार्ट था। इसके बाद हम करते हैं
डी पार्ट 900 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करें तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 900 ओवर 1000। अब जितने जीरो हैं उतने छोड़कर ऊपर पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 1 2 3 यहां पे पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए, ज्यादा वाजे करने के लिए हम 0.9 लिख देंगे। तो यहां पे आ जाएगा 0.9, और पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है उसके बाद जितने जीरो होते हैं वो लिख लें या ना लिखें, कोई मसला नहीं होता। वो ना भी लिखें तो आंसर आप 0.9 भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है 30 किलोमीटर 160 मीटर 35 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। 30 किलोमीटर 160 मीटर 30 किलोमीटर 160 मीटर और 35 सेंटीमीटर, इसको हमने सेंटीमीटर में लेकर आना है। इसको भी पहले मीटर में चेंज करेंगे फिर सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो 30 किलोमीटर को हम कैसे सेंटीमीटर में लेकर आएंगे? 30 किलोमीटर को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। तो कितना बन जाएगा ये 30,000 सेंटीमीटर, उस 30,000 मीटर, ये मीटर में चेंज हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में लेकर आने के लिए ये 1000 से किया वो हम 100 से करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6, इसके आ जाएंगे हमारे पास 0, तो 3 मिलियन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 160 मीटर, तो इसको चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में हम 100 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 16 के साथ 1 2 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया। आगे थर्ड वाला हमारा ऑलरेडी 35 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो वो 35 सेंटीमीटर ही रहा। अब इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, अब ये 5 आ गया, ये 3 है, ये 0 है, ये 6, ये 1, आगे फिर 0, उसके बाद 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, क्या ये गलत है या दुरुस्त है जो स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट है द हाइट ऑफ बिल्डिंग कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर, कि हम बिल्डिंग की जो हाइट होती है उसको जब मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर में करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्डिंग को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, इस वजह से ये जो हमारा पहला है ये फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है हमारा द डिस्टेंस बिटवीन टू फार अवे प्लेसेस इन मेजर्ड इन किलोमीटर, के दो डिस्टेंस जैसे लाहौर से इस्लामाबाद है, ये दो शहरों का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स में। जी हाँ, तो दो चीजों का जो आपस में डिस्टेंस होता है, प्लेसेस का जो आपस में डिस्टेंस होता है वो हमेशा किलोमीटर्स में मेजर किया जाता है। नंबर
सी पे है, तो इस तरह से ये जो बी है ये हमारा ट्रू हुआ। सेवन सेवन किलोमीटर इन मीटर्स आर 700 इन मीटर्स, यानी कि 7 किलोमीटर को अगर हम मीटर में करें तो वो 700 आता है, ये फॉल्स है। कैसे ये गलत है? 7 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश 7 किलोमीटर, किलोमीटर किलो के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 1000 है, इसलिए इसको 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका आएगा 7000 मीटर। तो 7000 मीटर जब आएगा तो इसका मतलब है कि ये 700 नहीं है, तो हमारा ये सी वाला पार्ट जो है ये फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है, अ 5 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। इफ वन पार्ट इज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड अदर पार्ट विल बी 3 मीटर 25 सेंटीमीटर 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। इन दोनों पार्ट्स को हम ऐड कर लेंगे, 5 and 5 10, 1 कैरी, 2 and 2 4 and 1 5, 2 and 3 5, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के शुरू में क्या था इस पार्ट के, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर को अगर हम दो हिस्सों में करेंगे तो एक बनता है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और दूसरा है 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो क्या ये दुरुस्त है या फिर गलत है? ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है क्योंकि हमने इनको ऐड करके देख लिया है, ये 5 मीटर 50 सेंटीमीटर ही बनता है। नेक्स्ट है हमारा, टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई किलोमीटर विद 100,000 के सेंटीमीटर में उनको लाने के लिए एक दफा हम 1000 से करेंगे मीटर में लाने के लिए और फिर 100 से करेंगे सेंटीमीटर में लाने के लिए। तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 100,000 सेंटीमीटर। तो 100,000 सेंटीमीटर इसका आंसर है, इसलिए ई वाला पार्ट जो है ये भी ट्रू है। तो हमारा पहला जो पार्ट था ए वो फॉल्स था, सेकंड पार्ट हमारा बी ट्रू था, थर्ड पार्ट सी फॉल्स था और फोर्थ पार्ट ट्रू था, और फोर्थ पार्ट जो डी था वो ट्रू था और पार्ट ई भी ट्रू था। तो इस तरह हमने सभी को सॉल्व करके चेक कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट अभी 5A एक्सरसाइज का पार्ट क्वेश्चन 3 है, उसमें एमसीक्यूज हैं, 4 ऑप्शंस हर एक पार्ट के दिए हुए हैं, उनमें से हमने करेक्ट ऑप्शन जो है उसका जो सर्कल है उसको फिल करना है। तो विच इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजर्स द हाइट ऑफ अ ट्री, सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, ये सेंटीमीटर में है मार्कर, किलोमीटर ये बहुत बड़ा होता है, हम गाड़ी पे सफर करते हैं, हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं, मिलीमीटर ये सेंटीमीटर से भी छोटा यूनिट होता है, और फोर्थ जो है हमारा वो है मीटर। तो ट्री जो है वो मीटर में शो किया जा सकता है, उसको मेजर मीटर में किया जा सकता है और किसी में नहीं, ना सेंटीमीटर में, ना किलोमीटर में, ना मिलीमीटर में। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट, कन्वर्ट 25 मीटर टू सेंटीमीटर, 25 मीटर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2500 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा जो इसका थर्ड वाला ऑप्शन है 2500 सेंटीमीटर वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कन्वर्ट 42 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, 42 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लेकर आना है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है 420 मिलीमीटर है, वो हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है द सम ऑफ 10 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर 150 मीटर इज, आगे थ्री ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 किलोमीटर उसके बाद है 15 किलोमीटर 150 मीटर, 15 किलोमीटर 150 मीटर, इसको हमने मीटर में लेकर आना है। 10 किलोमीटर को 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10,000 मीटर। 15 किलोमीटर को हम 1000 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 मीटर। उसके बाद लास्ट में है 150 मीटर, तो 150 मीटर 150 मीटर ही रहेगा। आप अब इनको ऐड कर लेते हैं, 10,000 15,000 150, ये तीनों मीटर में है। 0 आ गया, दूसरा 5 1 5 1 and 1 2, 25,150 मीटर। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। मीटर ये हमारा डी का सी ऑप्शन है, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड वाला वो है। नेक्स्ट द डिफरेंस ऑफ 12 किलोमीटर एंड 1800 मीटर इज, 12 किलोमीटर और 1800 मीटर में डिफरेंस मालूम करना है। 12 किलोमीटर माइनस 1800 मीटर, ये डिफरेंस मालूम करना है। सबसे पहले 12 किलोमीटर जो है इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई करके ये 12,000 मीटर आ जाएगा, और दूसरा हमारा क्या है 1800 मीटर, इनको हम माइनस कर लेते हैं। 0 आ गया, 0 आ गया, यहां से 12 लिया, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 2, यहां पे 1 में से 1 0 और 1 आ जाएगा, तो 10,200 मीटर इसका आंसर है। आइए हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट ये है ऑप्शन। तो ये सेकंड ऑप्शन है द डिफरेंस ऑफ 12 किलोमीटर एंड 1800 मीटर इज 10,200 मीटर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये ऑब्जेक्टिव जो है ये अच्छे तरीके से सीखा होगा। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे बल्कि आप इसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।